वालेकुम नमस्कार एंड गुड इवनिंग मैं हूँ आप देख रहे हैं सर कई बड़ी खबरें हैं उसमें आपने यकीनन सुना होगा कि कतर में जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजा सुनाई गई है जो इंडियन ऑफिसर्स लास्ट ईयर उनको अरेस्ट किया गया था जासूसी के इल्जाम में कि जी वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं उसके साथ सर कनाडा में के लिए भी जो है इंडिया कह रहा है कि उनको एफएटीएफ में लेके जाएंगे फिर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीटीआई के लोगों ने मुलाकात की है बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर भी बिल्कुल देखिए कतर के अंदर आठ लोगों को जो नेवी ऑफिसर है रिटायर्ड ऑफिसर जो के धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे थे वहां पे कतरी उनके जो फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे तरबियत कर रहे थे उनके ऊपर निज़ाम है कि उन्होंने अटालियन सबमरीन है उसके लिए उसके उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इसराइल को दी है आ, लेकिन बड़ी सवियर पनिशमेंट है जो कि मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट और स्टेटें जो है वो एक्सरसाइज हमेशा करती लेकिन फार्मर्स के लिए अपने शहरी के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते आपने देखा होगा कि इन सऊदी अरेबिया बिलखसूस पाकिस्तानी बंगाली नेपाली इस तरह के लोगों को फांसियाँ भी देंगे हाथ भी काटेंगे सारा कुछ आ, लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के ए, ए, एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है उसकी उसकी सजा की नोत इन सारे माली नुकसान हुआ है का नुकसान हुआ है उसका ये सारी लगा उसको मीडिया काफी लेकिन मैं नहीं समझता कि इनफोर्सेबल होगा भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त ऑन द पीक फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन द प्लेनेट और फिर उसके बाद ये है कि उनका उनका डेस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें दो चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में वो कुछ चीजें प्लस हैं कुछ नेगेटिव है कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते करते हैं हैं तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट कर, स्ट्रेंथ भी होती है वीकनेस भी होती है कि अगर कल कोई ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि लार्जेस्ट इकॉनमी और भारत का रोल ड्यू टू आ, आ, ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इम्पोर्टेंस है उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना और कनाडा भी बैकफुट पर है मैं नहीं समझता कि यहाँ भी, भी कतर जो है वो इन चीज़ों को इन्फोर्स कर पाएगा Uh, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी यहाँ पे ये मैंशन भी करना जरूरी होगा कि सात जो मिडिल ईस्ट स्टेटे हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने और uh, जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर कतर के अंदर यूएई के अंदर बहरीन के अंदर उनका बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस है बिजनेस है उनके टेक्नोक्रेट हैं दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट या सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहाँ पे तो इतना आसान नहीं होगा कि इन आठ लोगों को वो भी इटालियन सब मरीन की मुक्ति करने पे इस वक्त लेकिन इसराइल की लेकिन इस वक्त इसराइल इस के साथ जो भी चीज़ रिलेटेड है उसके पीछे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेंटीमेंट्स है मेरे ख्याल में शायद उसके लिए भी कुछ इन्होंने खबर बनाने की इसको करने की कोशिश की है आ, लेकिन इस वक्त जो आ, गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आरजू वो भी एक, आ, एक दुनिया के लिए इबरतनाक चीज बन चुकी है ब्राजील के आज जो वहां के उनके हेड ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अ वॉर दिस इज ए जेनासाइड तकरीबन पैंसठ सौ के तो करीब लोग जो है वो फलस्तीन के अंदर शहीद हो चुके हैं जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं आ, लेकिन दुनिया को पूछना होगा कि आज हमास किधर है जिन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया वो किधर है आप आप को ब्लेम तो कर रहे हैं बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए तो इसराइल जो है दे दे हैव आर देयर कैंपेन पहला शाक उनको पहले दिन जब हमास ने ये किया था दुनिया देवर सिंपथाइजर विद दे इसराइल लेकिन आस्ता, आस्ता वो चीजें कम होती गई पहला जब अलहाली हॉस्पिटल के ऊपर अटैक आया तो उसके ऊपर लोगों ने ओपिनियन चेंज की फिर एक ओल्डेस्ट चर्च है उसके ऊपर अटैक किया फिर ओपिनियन चेंज हुई और उसके बाद जो आखिरी मैं समझता हूँ जो हमास के लिए फायदेमंद चीज ये निकली है कि वो जो पचासी साल की खातून को जब रिहा किया गया तो उन्होंने जाकर जो लाइव इंटरव्यू दिया है हमास के हक में कि हमारा उन्होंने अच्छा टेक कर किया पब्लिक रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इस वक्त लग रहा है कि दे आर लूजिंग ग्राउंड डिप्लोमैट हमदर्दियों के लिए लेकिन दूसरी तरफ पे वो जंग जिस तरह मैंने अब बताया और कौन सा ये पहली दफा हुआ है इजराइल जो है वो आपको पता है दिस डोंट स्टॉप देयर मिशन जब तक वो एहताफ अपना हा, हासिल नहीं कर लेते आ, इस वक्त तो उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन तो शुरू नहीं की है हर रोजाना डेली दे, बेसिस को कह रहे हैं कि हम ग्राउंड इन्वेजन शुरू करेंगे हालांकि जो बाइडन ने अमेरिकन इन्होंने कहा था कि आप ग्राउंड इन्वेजन की तरफ ना जाए उसके दो नुकसान होंगे एक उन्होंने कहा था कि अमेरिका के तजर्बात से फायदा उठाएं सेप्टंबर बाद आ, के बाद हम अफगानिस्तान में गए थे तो आज तालिबान वापस आ चुके हैं एक तो ने यह वार्न किया है दूसरा उन्होंने खदशा ये जाहिर किया था कि अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो ईरान हो सकता है और हिजबुला लेबनान इसके साथ इसके और सीरियन ये इस जंग में आए और ये जो वार हैस पे हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, छह शिप करियर जो थे चाइना के वो अमान के अंदर अपनी एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने वापस जाना था लेकिन वो एक्सरसाइज करने के बाद वहीं रुक गए हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है हालांकि यहाँ पे जो चाइनीज चाइनीजर हैं और आजकल फॉरन चाइना के वो भी अमेरिका के दौरे पर हैं क्योंकि अगले महीने यहाँ पे चाइना के प्रेजिडेंट शी चेंग आने वाले हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा इसमें मिलिट्री का कोई इरादा नहीं है लोगों को करने के लिए हमारे छह शिफ्स खड़े लेकिन वो, वो ये तो दूसरों को भी नजर आ रहा है रशिया इज इज गेटिंग आ, सेंसिटिव। आज पुटिन साहब ने अपने स्पीच में कहा है कि ये जंग वेस्ट एशिया से बाहर भी निकल सकती है तो कंसर्न है अमेरिका लूजिंग ग्राउंड पर है हमेशा मैं जो कहूंगा जो कहूंगा कि आज कुछ भी हो रहा है ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रहा है अमेरिका इस वक्त लीडरलेस है हेडलेस है डायरेक्शनलेस है आज आ, देखा जाए तो वो कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखता और मैं इस पे इल्जाम दूंगा लिबरल आइडियालॉजी पे जिन्होंने फॉल ऑफ जो कि एक ब्रेकिंग पॉइंट था उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं एलाइज भी कुछ इनको डर रहे हैं सारे जो अमेरिकन हैं और अमेरिका के अंदर अपना इंतजार है आप उसकी सबसे स्पीकर माइक जॉनसन चौदह कैंडिडेट आए चार दफा उन्होंने इलेक्शन की एक्सरसाइज की है उसके बाद तेईस दिन के लिए कोई यहां पर नहीं था ये जमूरियत की सबसे बड़ी फ्लोर है और आते पहला काम क्या करेंगे आजू 105 बिलियन डॉलर जो है वो पास करेंगे यूक्रेन को देने के लिए इसराइल को देने के लिए और खाने पीने के लिए खुद उड़ाएंगे वो मैं सारी दुनिया को पता है यूक्रेन जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है कुछ पैसे जाते हैं वहां कुछ नहीं जाते हैं सारे खा पी जाते हैं बेवकूफ बना कनाडा दस दस पे भी बात करेंगे लेकिन ये खातून का बता रहे थे जो की, जो आके बहुत हमास की तारीफ करिए कहीं ये तारीफ वैसे ही तो नहीं है जैसे पाकिस्तान के लोगों को भी उठा के ले जाते हैं वापस लाते है, तो वो वाली बात तो नहीं है सर वो वापस आके हम तो चिल्ले में गए हम तो चिल्ले पे थे हम अपने पॉलिटिकल जो है चिल्ला काट रहे थे नहीं वो उसकी मैंने रिसर्च की है मैं उसकी डिटेल भी बता देता हूँ उसकी डिटेल ये मैं बता देता हूँ आरजू के इसराइल के अंदर भी जो है फलस्तीन सिंपथाइजर मौजूद है जूश कम्युनिटी के अंदर भी बिलखसूस जो गांव है जो बॉर्डर के साथ साथ है गाजा के वहां पे बहुत ज्यादा जूश कम्युनिटी ऐसी है जो फलस्ती के साथ देर सिंपताइजर ये उसी टाउन से है इस ये खातून जो उस टाउन से गई थी वहां पे और उन्होंने आके वापस बयान दिया है वो तो पहले ही उनका माइंड सेट सॉल्यूशन और सारा कुछ और मैं यार यह भी बताना चाहूंगा कि बीबी नत्याहू जो है उनकी बड़ी स्ट्रोंग अपोजिशन है उनके खिलाफ बल्कि मैं एक और बात बताऊंगा बीबी और मुसाद ने धोखा खाया है मैं दुख इस बात का है कि ने अभी तक से माफी नहीं मांगी। उन्होंने भी रिजाइन कर दिया कौन से जो कुछ हुआ है हमारी गलती है लेकिन अभी तक बीबी ने इसकी माफी नहीं मांगी मांगनी चाहिए उनको क्योंकि हार्ड कोर है वो वो बल्कि चाहते हैं मैं गाजा इन्वेजन करूं मेरी लेगेसी में आया सारा कुछ और दूसरा आज सारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और अमेरिका और मेरे जो ज्यूश दोस्त पहले अगले दिन किसी जगह मैंने सुन रहा था कहते हैं कि आई फाइव सी आई ए और मुसाद जो है वो न्यू कैनेडा के वो सरदार साहब जो प्लम्बर थे उनके पीछे पड़े रहे हैं उधर से मुसाद उधर से आमाज ने कार्रवाई डाल दी है तो आजकल अगर देखा जाए और उससे उससे पहले एक और आज से एक महीना पहले अमेरिका के एम एस जैक सोलवन है उन्होंने इंटरव्यू में कहा है देखें जी पीस जो तो मिडिल कितना पीसफुल है बाइडन की बाइडन की पॉलिसीज की वजह से कितना पीसफुल है और आज जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर अमेरिका की वीक फार्म पॉलिसीज की वजह से रहे हैं, भाग रहे हैं डर रहे हैं डी डॉलेशन की मूवमेंट शुरू हो चुकी है लेकिन यह कि अमेरिका अभी तक वो कहते हैं ना मस्त हाथी की तरह बीमार है जिस तरीके से हमारा जो बीमार है यही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है हर चीज क्रिपल कर रही है किसी बेल्ट पे पर सड़क पे चल जाए वो पार्किंग लॉट बना रहता है जो पहले मैं 20 मिनट में सफर करता था अब मैं दो घंटे में सफर करता हूं कोई तोजो नहीं किसी चीज पर लूट है यहां से लूट के ले जा रहे हैं भाग रहे हैं जिस सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी ना हो आरजू जिस, जिस वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर के हालात ना हो वह क्या करेगा इस वक्त मूवमेंट शुरू हो चुकी है डिफेंडिंग पुलिस पुलिस वो खत्म कर दे पुलिस सीरियसली डीमोरलाइज है चलाएगा कौन जुडिशल सिस्टम है वो नहीं चल रहा जेलें भरी पड़ी हैं वहां किसी को रखने की जगह ही नहीं तो वो जो क्राइम करता है उसको छोड़ देते हैं बॉर्डर को कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने कहा कंट्रोल करने क्या जरूरत तो है लोगों को जाने दो

फिक्शन में रहना यूथोपिया वो आप शायद कभी आप मैं कहूंगा आपके देखने वालों को वो बड़ा एक नावल कि बहुत ने आपको एक तरह नहीं बना रहा मैं हमेशा प्लीज ये जरूर करता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत करें प्यार करें तालीम से ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होती है वेरी फंडामेंटल जो तालीम का फायदा ही होता है कि टीचेस यू हाउ टू कंट्रोल योर पैशन चाहे पैशन मोहब्बत का है चाहे नफरत का है लेकिन एक बात ये जरूर है कि जब बनाने वाला ही हमें एक जैसा नहीं बना रहा तो इट मींस कि देयर इज सम रीजनिंग बिहाइंड इट मैं 6 फुट 4 हूं हूं आप 6 फुट 4 इंच नहीं है चाइना वाले कुछ और दिखते हैं अफ्रीका वाले कुछ और दिखते हैं इन चीजों को कंट्रोल नफरतों को कंट्रोल करना चाहिए लेकिन इसको ये भी देखना चाहिए कि खुदा ने आपको तिश्स जो आपका अलग अलग दिया उसकी भी पीछे रीजनिंग होगी देखा इस वक्त देखा जाए कल मेन के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था था कल रात को कि एक जो भाई साहब है उन्होंने घुस के एक पहले बॉलिंग एली में मारे छह लोग फिर बार में घुस के उन्होंने बाईस लोगों को मार दिया है साठ के करीब जो है जख्मी है और भाग गए हैं वो खुद जो है

लोग तो छुरी से भी मार देते हैं छुरिया बंद कर दोगे गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर लेके चढ़ जाते हैं गाड़ियां बंद कर दोगे लोगों के दिमाग ठीक कर सर ये तो बहुत होता है अक्सर इस तरह की न्यूज आती है कभी कभी किसी स्कूल में कभी कॉलेज में कॉलेज अमेरिका में और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इस तरह के वाकयात होते हैं जिसमें कोई आदमी घुस जाता है और फायरिंग करके लोगों की जान ले लेते हैं सोसाइटी कर रही है लोग जहरी तौर पर बीमार है क्रिमिनल खुले छोड़ देते हैं अक्सर यहाँ देखा गया जो लोग बाहर निकल के मारते हैं वो हफ्ता पहले जेल से निकला है, दो हफ्ते पहले जेल से निकला है अमेरिका की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आरजू कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम था लेकिन वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है अब वो करप्शन जो है वो पीक पर है आजकल उसको मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं लिबरलिज्म का कुछ और इस तरह कह देते हैं चीजें देखे इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफ उसका सिर्फ एक ही टास्क है डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ जाए उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना तीन साल सोए रहे हैं बिल्कुल तीन साल कुछ भी नहीं किया उसके पीछे नहीं गए वो जो ही उसने प्रेजिडेंशिडेंशियल कैंपेन ऐलान किया है उसके पोल ऊपर आने शुरू हुए तो सारी एफ और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सारा कुछ उसके पीछे पड़े रिपब्लिकन कंजर्वेटिव मेरे जैसे लोगों को कहते है, ये हैं ये होम ग्रोन टेररिस्ट है ये ये नाम रखा है हमारे लिए हमारे साथ बाइडन साथ कहते हैं कि हैं जो तो फिर इसको जमुरियत कौन कहेगा जमुरियत किसका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है अब आप मुझे ये बताएं कि हमें तो छह जनवरी के लिए पढ़ते हैं हमारे ब्लैक लाइफ मैटर को नहीं पकड़ते हैं को नहीं पकड़ते अगले दिन डोम के अंदर कैपिटल के अंदर लोग 200 घुस के वहां बैठ के ऐतजाज किया उनको तो नहीं पकड़ा

तो वो वारदार डाल देगा वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा अब सड़क के ऊपर आप एक डॉलर का नोट फेंक देंगे एक बंदा शायद गुजर जाए दूसरा रुक के उठा लेगा। अगर अगरचुनिटी देंगे चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं होगा कोई आप उस को ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे जहां से चोर पकड़ा जा सके और चोर को सजा दी जाए तो फिर वहां सोसाइटी कैंट एग्जिस्ट वही हालत है मैंने आपको इसका हल भी तो बताया ना कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है पहले करता था अब नहीं कर रहा था

ब्राक ओबामा ने मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो वाइट लोग हैं उनको सप्रेस किया उनको ख्वाहिश है असल में uh, ब्राक ओबामा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका का हर डिपार्टमेंट का हेड जो हो काला होना चाहिए उसकी उसका मेरिट ही होगा वो काला है ये एक मेरिट है तो उन्होंने जब ये किया और 70 परसेंट इस वक्त पॉपुलेशन अभी भी 60 सम परसेंट जो है वो वाइट है अफ्रीकन अमेरिकन तो सिर्फ 13 14 तो वो जब वो उन्होंने ये सारी हरकत आठ साल की तो फिर गुस्सा जब उनको चढ़ा वाइट्स को तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को ले आए हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सब जिंदगी में कभी भी नहीं बने थे पहले बिल्कुल वो तो इस काम में ही नहीं थे वो अभी भी नहीं है इस काम में वो तो सियासतदान है ही नहीं है उल्टे सीधे बयान देते थे ट्विटर अभी भी करते उल्टे सीधे कर देते दूसरे को क्योंकि इज नॉट अ पॉलिटिशियन लेकिन ये कि दूसरी साइड पे मुकाबला किससे है एक बंदा पचास साल से इस कारोबार में सियासत में हालांकि अगर जमहूरियत के बारे में पढ़ा जाए जो है लोग इससे कारोबार नहीं करते में नहीं। तो, इन्होंने तो पूरी फैमिली पा ली आके अपनी इतनी खराब है मुझे गल इतफाक हुआ कि जब इसराइल गए बीबी नतिया के साथ बैठे हुए थे एक लफ्ज अपने मुंहसरी निकाल सके नीचे पर्ची पड़ी हुई थी वो बड़ी हुई तो लिख के दिए हुए थे वो बामा ने या किसी ने अंकल ये बोल दें आप तो वो एक वहां से पढ़ रहे थे उनकी सेजाजत तो ही नहीं देती पता नहीं चले किस तरह जाते हैं वो सर दोबारा दोबारा कैसे प्रेसिडेंट बना देंगे हैरत होती इनको के भी लाने के लिए तैयार है नहीं ओबामा ही चलाएंगे ना इलेक्शन तो ओबामा का है इनका थोड़ी इनको कौन जानता है इनको तो ए, आपने पिछले दिनों एक मैं आपके देखने वालों को और आपको कहूंगा कभी गूगल में देखें पिछली दफा ये व्हाइट हाउस के अंदर किसी दिन खड़े हुए थे तो साथ उस फंक्शन में ओबामा आ गए तो सारे लोग इनको छोड़ के सारे ओबामा के पास चले गए ये अकेले खुद देखते आस पास ही हुआ क्या है

लग रहा है कि चीजें अब कुछ नॉर्मलाइज होंगी कल एक और खबर भी थी कि भारत ने इंडियन भारतीय निजात कैडेड को वीजा देना शुरू कर दिया दोबारा तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से जो है कोई था शुरू हो चुकी है चीजें वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जस्टिन ट्रूडो इज लूजिंग हिज पॉपुलरिटी इन हिज कंट्री फिफ्टी सेवन उसके पोल में नंबर उनके खिलाफ आए हैं और उनको और कई मसाइलें इस वक्त अगर देखा जाए कनाडा को तो वो बैक फुट पे है और ये मस, ये मेरे ख्याल में इट्स नॉट नॉट दिस टॉपिक इज हार्ट क्योंकि उसके बाद कई वाक्यात हो चुके हैं फलस्तीन का वाक हुआ है अब ये कतर का वाक्य हुआ है अब लोगों की इस इस्तेव जो भी नहीं रही है और मेरे ख्याल में भारत ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं वो बैकफुट पे हैं उनको अपने कई पोलिटिकल इशूज हैं इस वक्त कैनेडा के जिसमें महंगाई है इकानमी उनकी खराब है हाउसिंग मार्केट उनकी क्रैश कर रही है अपनी पॉपुलरिटी जस्टिन ट्रूडो लूज कर रहे हैं ये आपस में मिलने लगे ऐसे मौलाना साहब ने पहले कहा था कि जो भी जेल में उसे इलेक्शन से पहले बाहर आ जाना चाहिए देखिए दो चार चीजें जो मैं जो मुझे इस वक्त लग रहा है मौलाना रहमान से पीटीआई मिली है पीटीआई पार्टी से भी मिलने के बारे में सोच रही है और दूसरी एक बात जो मेरे आ, मैं जो देख रहा हूं सारी पार्टियां मिलकर भी ये प्रोग्राम बना रही हैं जो पीडीएम की पार्टियां थी आ, को ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे पीटीआई को रिलीफ मिले और इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए लेकिन आरजू जो कुछ भी कर ले मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के को अच्छे दिन आने वाले हैं उसकी वजह यह है कि जितने लीडरान आपके मौजूद हैं जितने लीडरान सियासी हों दूसरे हों वो भी लीडर ही होते हैं ना जो आपके इधारों को चलाते हैं नहीं। किसी नहीं। ने आज तक अकानमी के बारे में बात नहीं किसी ने कोई मैप ऐसा नहीं रखा कि उन्होंने बताया हो कि हम टेररिज्म को किस तरह कंट्रोल करें किसी ने बात नहीं की इलेक्शन को हल है इलेक्शन किस चीज का हल है इलेक्शन पहले नहीं हुआ आपके मुल्क के अंदर और कभी फिर इलेक्शन नहीं हुए आपके मुल्क के अंदर और जो जिस तरीके से पहले पूरा सिस्टम वही लाडला चेंज हुआ है लाडले वाला कॉन्सेप्ट चेंज नहीं जिस तरह पहले आप पीटीआई के सामने सारा सिस्टम सर था आज वो आ, जो नून लीग शरीफ जी और सारी दुनिया देख रही है बहरहाल आपको कि आपके आपकी अदालतें कैसी हैं आपका नैब किस तरह सरेंडर कर गया है आपके इलेक्शन अब देखें सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा अब इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है भाई मकसद उसका रह चुका है एक इलेक्शन जो इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है उसे क्या क्रेडिबिलिटी ने। नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्या उसकी रिस्पेक्ट होगी और फिर अब अब तो लोग ओपनली कह रहे हैं कि पांच साल बाद आप इमरान खान को धो जा के फिर उसको ले आएंगे कहेंगे नहीं ये ठीक हो गया ये जे, ये चिल्ले में गया था ये ठीक हो गया तो ये इस तरह तो नहीं लोग तो नहीं लोग लोग तो सर ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को कहा गया है वो और शहबाज शरीफ एक साथ कहीं ना जाए उनकी जान को खतरा है थ्रेड आ रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ को कोई लोग जो है टीटीपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खतरा है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वाकई में इस तरह की कोई बात कोई हादसा तो नहीं होने जा रहा आजू मेरे ख्याल में तो पच्चीस करोड़ के लोग सभी को खतरा बोले तो अलग आपको भी खतरा मैं तो आपके लिए भी परेशान रहता हूँ मुझे यह बताया उस मुल्क में सेफ कौन है हाँ लेकिन यह है कि जिसको मारा जाता है देखते मारते हैं गरीब आदमी को नहीं मेरा, किसी ताकतवर आदमी को नहीं मारा जाता लेकिन यह मैं नहीं समझता कि वहां पे उनकी को खतरा हो लेकिन एक और हाँ, मैं बताना चाहूंगा खबर एक और निकली है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ लेकिन सूबे की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो अलीम खान को दी जाएगी ये भी बात मुझे सुनने में कल परसू आई है आ, लेकिन यह मुझे नहीं लगता कि आपके हालात ठीक हों के ज़बान से किसी जलसे के अंदर नवाज शरीफ अगले, अगले प्राइम मिनिस्टर हैं एक लफ्ज नहीं उन्होंने बोला इकानी के बारे में किस तरह मैं चेंज करूँगा उन्होंने एक एक भी बात नहीं की कि मैं टेररिज्म को किस तरह कंट्रोल करूंगा एक भी उन्होंने बात नहीं की कि मैं करप्शन को किस तरह कंट्रोल करूंगा ये तीन मेजर प्रॉब्लम है आपके सोचे सर इस वक्त मोहसिन दावड़ भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं उसके ऊपर बड़ा हंगामा है जो पख्तून वो, तो है है। पे वो भी शोर कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं वो तो क्रिकेट टीम ने अपना अवार्ड ही उनको कह दिया था लेकिन देखें आज मैं मुफ्ती साहब की सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा पचास हजार रुपए से ज्यादा लेके आप अफगानिस्तान से ही जा सकते हैं लेकिन ये बताएं पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है कि इसको ना निकाले मैं ये तो बहुत अच्छी बात थी कि इनको निकालना चाहिए इनको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था क्योंकि इन्होंने उनकी आबादकारी में कोई प्लानिंग नहीं की थी मैं यहाँ एक आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आरजू के जब अफगानी ईरान के अंदर गए थे तो ईरान ने उनको सिर्फ एक मखसूस एरिए के अंदर रखा उन्होंने पूरे ईरान के लिए अंदर उनको घुस के तो इजाजत ही नहीं दी थी तो या तो आप उनको अफगान महाजरीन प्लेटो में ही रखते। लेकिन आपने, तो आपने, आपने शनाख्ती कार्ड पैसे लेकर बनाए उनके क्योंकि आप तो बेच देते आपने तो भी रिसेंटली बारह हजार पासपोर्ट बेचा सऊदी अरेबिया में एक ऑफिस ने तो या तो फिर आप पहले अपनी पाकिस्तानी बनेंगे तो पाकिस्तान बचेगा आरू जब आप पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी ना हो बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल आपके लिए बहुत मुश्किल लेकिन सर देखते हैं कि किस तरह से इस चीज को करते हैं आगे क्योंकि वाकई में मुश्किल और लोग ये भी कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट है इनके हाथ में कुछ नहीं लेकिन ये डिसीजन लेते चले जा रहे हैं कर इंतजार करना चाहिए कि कोई प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाए इनका मैंडेट ही नहीं था ये सजाएं लोगों की कम कर रहे हैं इस तरह के फैसले कर रहे हैं इनका इनका पोर्टफोलियो इनको इजाजत नहीं देता पोर्टफोलियो इनका ये सिर्फ एक इलेक्शन के लिए बल्कि कल मैं आ, आ, मैं सुन रहा था प्रोसीडिंग काजी फायज ईसा की उन्होंने क्वेश्चन किया है ये अयूब खान दौर में बना था ये केयर टेकर सिस्टम बनाने के लिए लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए मौजूद है तो केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या क्या जरूरत है भाई ये तो बिल्कुल बात लेकिन मेरा ख्याल में इसको आ, आप देखेंगे अगर कोई पाकिस्तानी जिस तरह काजी फायज ईसा लॉट ऑफ एम्बिशन जिस तरह का बंदा हुआ तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा फ्यूचर में मेरे ख्याल में ये आखिरी गवर्नमेंट होगी केयर टेकर सर होना भी यही चाहिए मेरी तो आज भी एक हिसाब से चाइना में बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये जो की बात कर रहे ने, तो किसी ने मुंह नहीं लगाया कौन से, तो, से पोर्टफोलियो ही नहीं ना वो इलेक्टेड है ना सिलेक्टेड है पता नहीं वो घड़े से नाम निकला तो चले गए उनके जाने का जवाब ही नहीं बनता था मुझे इनसे गिला नहीं है जो इनको भेजता है मुझे तो उनपे गिला क्या ड्रामा कर रहे हो इस तरह भी मुल्क कभी चले कुछ तो सोचो तो सही आपके पास खाने को ना पीने को और एक बंदे को जहाज दे दिया सारी सारी दुनिया का बिल्कुल पूरा चक्कर कंप्लीट किया उन्होंने अमेरिका हाँ। आए हैं अफ्रीका मिडिल ईस्ट उसके बाद चाइना पूरा ट्रिप उनको उन्होंने कहा मुझे बचपन से शौक था कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है यार अपने खर्चे पे लगा और वो भी फ्री में वो भी फ्री में लगाना है बच्चे भी साथ ले गए एफल टावर में खाने खा रहे हैं पता नहीं मैं कोई पूछने वाला नहीं बताने वाला नहीं चले बिल्कुल ऐसे पहली दफा आखिरी दफा हुआ छिहत्तर साल से यही ड्रामे कर रहे हैं आप यही ड्रामे कर सर जैसे आप कह रहे हैं कि आखिरी केटे का गवर्नमेंट है मुझे तो नहीं लगता मुझे लगता है अभी ऐसे ही चलता रहेगा <laughs> बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया थैंक यू